बज रहे हैं, 11 AM और मैं जा रहा हूँ अभी जीवाती में अपना टेंट लगाने। तो आप लोग पूरा एनालिसिस को देखिएगा और समझिएगा, और मैं अभी लगाऊंगा टेंट, आपको मैं दिखाऊंगा सारा कुछ प्रॉफिट करके। अभी मैंने मॉर्निंग में टेंट लिया था जिसमें $26 मैंने एक्सीड कर दिया है। आप कहीं से भी अगर देख रहे हैं आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे से सीख सकते हैं, सारा कुछ मैं करवाता हूँ लाइव मार्केटिंग मंडली। ठीक है, अभी हिसाब से क्या चल रहा है मार्केट में, अभी मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ फ्रेंड। तो देखिए अब यहाँ से देखेंगे तो कुछ डाउन ट्रेंड है, पूरा फॉलो कर रहा है मार्केट। और अभी भी क्या हुआ, मैं मॉर्निंग में लिया था कि मार्केट में क्या हुआ था, एक ट्रेंड लाइन भी अच्छा खासा तो यहाँ से अब मुझे एक ना कहीं एक सपोर्ट आ चुका है मार्केट में। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे सपोर्ट कितने, ये सपोर्ट आ चुका है यहाँ से और मार्केट ने एक चेक सपोर्ट को टच किया और यहाँ से वही चल किया है। तो चलिए अभी मेरा जो टारगेट होने वाला है नेक्स्ट लेवल में बता देता हूँ आपको भी। तो अभी मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है ये पॉइंट, यहाँ तो मेरा टारगेट रहने वाला है, मैंने 5 मिनट्स का लगा रखा है। ठीक है, अभी मैं इसको 4 आवर में कर लेता हूँ, 4 आवर में देख लेते हैं क्या मेरा टारगेट होने वाला है। ठीक है, अभी के हिसाब से मेरा जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है ये है जी वाई पी में, आपको पता ही बड़ा मूव आता है। ये मेरा टारगेट होने वाला है 150 रुपीज़ के आसपास मेरा ये टारगेट है जी वाई पी का। चलिए लाइव में मैं लगाता हूँ, यहाँ पे आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ। चलिए ये मेरा टारगेट होने वाला, मैंने सारा एनालिसिस पहले भी कर चुका है, बस आपको मैंने दिखाने के लिए किया था। और बात कर लेते हैं मैं यहाँ पे लिक्विडिटी का, तो लिक्विडिटी भी मैं लिक्विडिटी कहाँ पे है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखिए लिक्विडिटी आपको मैं बता रहा हूँ इस ग्राफ से नहीं लिखा लगाया था, आपका खुद से एनालिसिस से लिक्विडिटी आप लगा सकते हो, आप कहीं से भी देख दो, उससे मैटर नहीं करता है। देखिए अभी के हिसाब से मार्केट में लिक्विडिटी है बहुत बड़ा ऊपर की तरफ दिख रहा है अभी के हिसाब से। ये मैं लिक्विडिटी मैंने लेवल मार्क कर रखा है, यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा और मैं इसको टाइम फ्रेम को मैं 15 मिनट्स चलता हूँ, 15 मिनट्स को देखते हैं लिक्विडिटी का है। तो मैंने बताया कि ये मेरा यहाँ पे लिक्विडिटी अभी दिख रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी दिख रहा है, यहाँ देखा ये पॉइंट 15 मिनट्स के हिसाब से। तो मे भी मेरा टारगेट फर्स्ट टारगेट ये पॉइंट रहेगा, ये 150 मैंने बताया मेरा टारगेट रहेगा यहाँ तक का। तो अभी इसलिए हम लोग यहाँ तक वेट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो अब इसको टाइम पर हमको थोड़ा सा और भी 2-3 मिनट कर लेते हैं, थोड़ा सा पुल बैक का वेट करेंगे। अभी पुल बैक कहाँ तक आ सकता है, कहाँ तक आ सकता है, हाँ ये पॉइंट तक पुल बैक आ सकता है, ये जो लाइन है यहाँ तक पुल बैक आ जाएगा यहाँ से। तो चलिए मैं सारा चार्ट को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसके पीछे बहुत सारा एनालिसिस है, अभी एक तो कभी अच्छी वीडियो कवर तो नहीं हो पाएगा। ये थोड़ा सा पुल बैक आता है मार्केट में तो हम लोग यहाँ से कॉल सेट लेंगे। चलिए अभी पुल बैक का वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। पुट साइड बनता है तो मैं कॉल सेल भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब पता है ये पॉइंट, ये लाइन निकल चुका है यहाँ से, सपोर्ट निकल चुका है, यहाँ पे निकल चुका है, बार बार ये एक पुल बैक आएगा और मैं यहाँ ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो फाइनली फ्रेंड हमारा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना आ चुका है, 5000 क्वांटिटी को। अभी देखते हैं टारगेट क्या है, टारगेट मिलता है, स्टॉप लॉस मिलता है, स्टॉप लॉस रहेगा ये पॉइंट यहाँ तक आता है तो मैं स्टॉप लॉस को इसलिए एक बार रिसेट कर देता हूँ। और अभी मेरा 11:22 लॉस, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मार्केट में क्या हुआ, थोड़ा सा एग्रेसिवली बाइंग हुआ और यहाँ से प्रॉफिट बुक हो रहा है, इसलिए मार्केट थोड़ा शॉर्ट पुलिंग हो रहा है, कोई नहीं, हम लोग वेट करेंगे। $7, $5, $2 और मेरा ये बढ़ता चला जा रहा है लॉस। अभी देखते हैं टारगेट क्या है, टारगेट मिलता है, स्टॉप लॉस मिलता है, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये पॉइंट यहाँ तक आता है तो मैं स्टॉप लॉस को इजीली दे दूंगा, एक बार रिसेट कर देता हूँ। और अभी मेरा $11.22 का लॉस, कोई बात नहीं है।
थोड़ा सा मार्केट में क्या हुआ, थोड़ा सा एग्रेसिवली बाइंग हुआ और यहाँ से प्रॉफिट बुक हो रहा है, इसलिए मार्केट थोड़ा शॉर्ट फॉलिंग हो रहा है। कोई नहीं, हम लोग वेट करेंगे। 10 रुपीज़, $10, $7, $5, $2, और मेरा धीरे धीरे ये बढ़ता चला जा रहा है लॉस। 15, 10, 9, 7, 8, जस्ट एक पुल बैक की जरूरत है फ्रेंड, ठीक है। मे भी यहाँ से मार्केट फॉल भी हो सकता है, लेकिन आपको ये एनालिसिस है, मैं वेट करूँगा अभी, ठीक है। मेरा टारगेट मैंने बताया था कि मेरा जब तक टारगेट नहीं मिला तब तक मैं वेट करूँगा, ठीक है। देखिए 1 मिनट ले रहा था मैं, यहाँ पे 5 मिनट्स का दिखा देता हूँ आपको। 5 मिनट्स में मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, ये रिएक्शन आ रहा है कैंडल का, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। चलिए अभी प्रॉफिट में भी चला गया था, अभी $3 का लॉस चल रहा है, कोई सुन। अभी एग्जैक्ट हम लोग सपोर्ट पे ही है फ्रेंड, चलिए चलिए चलिए। सेलिंग में ज़्यादा प्रेशर दिख रहा है मुझे, इसीलिए थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है। मार्केट तो बढ़ रहा है लेकिन प्राइस नहीं बढ़ रहा है। चलिए फाइनली आप पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है धीरे 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 धीरे। लॉस लॉस लॉस, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। इस कैंडल को जैसे फ्रेंड ये ब्रेक करता है ना, उसके बाद मार्केट तो अच्छा से निकल। देखिए $70, $80, 90, 20, 25, 26, 50 चला गया। मैंने बताया बस ज़्यादा नहीं, 50 रखेंगे, 50 तक रखेंगे। अभी एग्जैक्ट प्राइस क्या चल रहा है, 48 का ही चल रहा है अभी, $50, 60, 70। चलिए चलिए मैं ज़्यादा देर वेट नहीं करूँगा, जैसे रिएक्शन आएगा मैं कट करके निकल लूँगा। 165 तक गया था, कोई नहीं, और थोड़ा सा चलो, और बस 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 थोड़ा सा $60, $100 करो। चलिए टाइम फ्रेम खत्म करने पर रिएक्शन आने लगा है मार्केट में। चलिए $100 का वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, और एग्जैक्ट रिएक्शन आ गया। चलिए मैं क्लोक ट्रेड को थोड़ा सा क्लोज करने की कोशिश करूँगा, 100 पे निकालूंगा, क्योंकि अभी क्या है मार्केट रिएक्शन आ चुका। चलिए मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ अपना क्लोज को। चलिए फाइनली यहाँ पे मेरा ये ट्रेड क्लोज हो चुका है फ्रेंड।